काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी इन चार कॉलेजेस में, GCETT, GCELT, GCCET, ये सारी कॉलेजेस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर इस कॉलेज को काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड वेस्ट बंगाल वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर यहाँ की कट ऑफ क्या है पर्टिकुलर ब्रांच की, अगर CSE IT में एडमिशन लेनी है तो यहाँ पर तुम्हें क्या रैंक आनी चाहिए तुम्हारी, इस तरह की ढेर सारी डाउट्स थी अलग अलग स्टूडेंट्स की। तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, एक एक करके मैं हर एक कॉलेज की कट ऑफ्स और वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है उन सारी चीज़ों की डिस्कशन करूंगा। तो तुम इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, और हाँ तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है लेटेस्ट अपडेट तुम्हें यहाँ पर मिलती रहेगी, कैसे तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन के टाइम तुम्हें वहाँ पर मार्क्स को कैसे फिल करनी है, जो तुम्हारी डिप्लोमा की मार्क्स होगी या फिर तुम्हारी BSc की जो मार्क्स होगी उसे कैसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में फिल करनी है, इन सारी चीज़ों को तुम्हें यहाँ पर मैं बता दूंगा ताकि तुम कोई भी मिस्टेक ना करो और तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेजर टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज है कोलकाता में। तुम यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज की कुछ इमेजेस तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी, जब तुम गूगल पर सर्च करोगे तो तुम्हें यही सारी इमेजेस मिलने वाली है। तो यहाँ पर तीन ब्रांच अवेलेबल है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSE और लेजर टेक्नोलॉजी की ब्रांच अवेलेबल है। अगर तुम इस पर्टिकुलर कॉलेज में IT ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारी 600-700 के अप्रॉक्स तुम्हारी रैंक अगर होगी ओपन कैटेगरी से तो तुम्हें आसानी से IT ब्रांच यहाँ पर मिल जाएगी। वहीं अगर CSE ब्रांच में तुम्हें एडमिशन लेनी हो तो 500-600 के अप्रॉक्स तुम्हें रैंक आनी चाहिए। IIT और CSE की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेदर टेक्नोलॉजी की थोड़ी हाई है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो 3000-4000 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहती है तो आसानी से तुम्हें लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल जाएगी। वहीं अगर तुम SC ST OBC AB या फिर PWD कैटेगरी से हो, 1000-1200 के आसपास अगर तुम्हारी रैंक रहती है तो IIT ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी। वहीं अगर 600-1000 के अप्रॉक्स आसपास रैंक रहती है तो तुम्हारी CSE ब्रांच मिल जाएगी। 4000-5000 अगर रहेगी तो तुम्हें लेदर टेक्नोलॉजी की ब्रांच इस कॉलेज में आसानी से मिल सकती है। तो देखो यहाँ पर मैंने ब्रांच और कट ऑफ की तो डिस्कशन कर दी, अब तुम्हें जानना होगा कि इन चारों कॉलेजेस में किस ब्रांच को सबसे पहले फिल करें, कौन से ब्रांच को बाद में फिल करें। सपोज तुमने GCELT के CSE को फिल किया, फिर तुमने GCETT के CSE को फिल कर दिया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पता करनी होगी कौन से ब्रांच की प्लेसमेंट कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है। सपोज CSE की प्लेसमेंट हो सकती है GCETT में अच्छी हो, तो इन सारी चीज़ों को भी तुम्हें पहले पता करनी होगी ताकि तुम एक अच्छा चॉइस फिलिंग कर पाओ और तुम्हें एक अच्छी ब्रांच जो है एक अच्छे से कॉलेज में मिले तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलेज में। ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज श्रीरामपुर में है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, तुम्हें नाम से ही पता चल रही है। तो देखो यहाँ पर जो ब्रांच है वो चार ब्रांच अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की ब्रांच और अपैरल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो अगर तुम CSE में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारी 353 लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, तो तुम समझ लो 300-400 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहेगी तो यहाँ पर तुम्हें CSE ब्रांच मिल सकती है। तो तुम्हें ये ध्यान में रखकर चलना होगा तुम्हारी रैंक अप्रॉक्स 300-350 अगर होगी तो यहाँ पर CSE ब्रांच मिल जाएगी। वहीं अगर तुम SC ST OBC AB या फिर PWD कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 1000-1200 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहेगी तो यहाँ पर CSE ब्रांच मिल सकती है। टेक्सटाइल की वहीं पे तुम देख रहे होगे कि 986 के अप्रॉक्स लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, तो तुम 900-1000 तो मान सकते हो यहाँ पर अगर तुम्हारी रैंक रहती है इस बीच तो तुम्हें यहाँ पर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांच मिल जाएगी। वहीं अगर किसी कैटेगरी से हो तुम तो 2000-2500 के अप्रॉक्स तुम्हारी रैंक रहेगी तो आराम से ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांच तुम्हें श्रीरामपुर में मिल जाएगी। देखो यार यहाँ पर मैंने काफी ब्रांच की डिस्कशन अब तक कर दी है और आगे और भी दो कॉलेज बचे हुए हैं, मैं यहाँ पर फिर से तुम्हें बता देता हूँ ये सारे कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर सिर्फ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट यानी कि वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं। जो वेस्ट बंगाल के बाहर के कैंडिडेट है UP झारखंड बिहार, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट की। तो तुम उस पर्टिकुलर वीडियो को चेकआउट करो, वहाँ पर तुम्हें वो सारी कॉलेज मिल जाएगी जो उसमें तुम्हारी कम फी या फिर तुम बोल सकते हो वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर तुम काउंसलिंग में जिसे तुम फिल कर सकते हो और तुम्हें वो कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ जिन सारे कॉलेज की मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, जो चार कॉलेज है, इन सारे कॉलेज में तुम्हें चांसेस नहीं मिलने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं है। तो अब देखो अगर IT ब्रांच में तुम्हें एडमिशन लेनी है तो तुम्हारी रैंक 800 के अप्रॉक्स अगर होगी तुम्हें IT ब्रांच मिल जाएगी। वहीं अगर SC ST OBC AB हो तो तुम्हें 1000-1500 अगर तुम्हारी रैंक होगी तो आसानी से तुम्हें IT ब्रांच मिल सकती है। अपेरल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अगर तुम्हारी इंटरेस्ट है, अगर तुम ये ब्रांच लेकर पढ़ाई करना चाहते हो अपनी
इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम्हारी अगर 3000 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी ओपन कैटेगरी से रैंक रहती है तो तुम्हें ये ब्रांच वहां पर मिल जाएगी उस पर्टिकुलर GCETT श्रीरामपुर में। वहीं 4000 to 5000 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहेगी SC ST OBC AB कैटेगरी से तो तुम्हें ये ब्रांच मिल सकती है। देखो मैंने इन चारों कैटेगरी की कंबाइंड रैंक लिख दी है अप्रॉक्सीमेट रैंक, तो तुम्हें 4000 से 5000 के बीच सपोज हो सकती है। OBC AB के लिए 4000 4500 तक रहे, तो वहीं SC ST के लिए बोल सकते हो तुम 5000 के अप्रॉक्स तक क्लोजिंग रैंक रहेगी। तो ये तुम समझ रहे हो आई होप। तो अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी, इस पर्टिकुलर कॉलेज में 3 ब्रांच अवेलेबल है। ये कॉलेज जो है कोलकाता में है, यहाँ पर देखो CSE IT और सेरामिक टेक्नोलॉजी की ब्रांच है। तो CSE में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो 600 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहेगी ओपन कैटेगरी से, या फिर SC ST OBC AB से 700 to 800 रहेगी तो तुम्हें आसानी से ये ब्रांच मिल जाएगी यहाँ पर। और वहीं अगर IT ब्रांच लेना चाहते हो तो यहाँ पर तुम देख रहे हो 585 और 749 मैंने लिखा है। यहाँ जो तुम्हें 585 दिख रही है ये पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक है, और जो 749 तुम्हें दिख रही है ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिली थी लास्ट राउंड में। तो तुम्हें 500 के अप्रॉक्स रैंक लानी होगी तभी तुम्हें यहाँ पर IT ब्रांच मिलेगी। अगर तुम किसी SC ST OBC AB कैटेगरी से हो तो तुम्हारी 800 to 1000 के अप्रॉक्स अगर रैंक रहेगी तो आसानी से ये ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी। वहीं अगर सेरामिक टेक्नोलॉजी में तुम्हारी इंटरेस्ट है तो 1600 to 1500 के अप्रॉक्स अगर रैंक रहेगी तुम्हारी तो ये ब्रांच तुम्हें GCETT कोलकाता में मिल जाएगी। और 2000 to 4000 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी किसी कैटेगरी से रैंक रहती है तो ये ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी GCETT कोलकाता में। तो देखो ये सेरामिक टेक्नोलॉजी की ब्रांच सिर्फ इसी पर्टिकुलर कॉलेज में है, बाकी तुमने लेदर टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी देख लिया। तो चलो फाइनली मूव करते हैं लास्ट स्लाइड में। यहाँ देखो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज बहरमपुर में है और यहाँ पर 4 ब्रांच अवेलेबल है, CSE, टेक्सटाइल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कट ऑफ तुम देख रहे हो, अगर ओपन कैटेगरी से तुम्हें एडमिशन लेनी है तो देखो यहाँ पर CSE से भी काफ़ी अच्छी रैंक होनी चाहिए तभी तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल पाएगी। तुम्हारी 500 के अप्रॉक्स अगर रैंक होगी तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल जाएगी। वहीं अगर किसी कैटेगरी से हो तुम SC ST OBC AB से तो तुम्हारी 1000 to 1200 के अप्रॉक्स अगर रैंक रहेगी तो आसानी से ये ब्रांच तुम्हें बहरमपुर के GCETT में मिल जाएगी तुम्हें। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो तो तुम्हारी रैंक 1275 के अप्रॉक्स होनी चाहिए ओपन कैटेगरी से, और SC ST OBC AB से तुम्हारी रैंक 2000 to 3000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। वहीं टेक्सटाइल ब्रांच अगर तुम्हें लेनी है तो 3700 to 4000 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक होगी, तुम टारगेट करके चलो 3500 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक होगी तुम्हें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की ये जो ब्रांच है यहाँ पर मिल जाएगी। या फिर अगर तुम SC ST OBC AB कैटेगरी से 2024 की रैंक कार्ड में अगर तुम्हारी रैंक 6000-7000 के अप्रॉक्स होगी तो तुम्हें आसानी से टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांच इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल जाएगी। वहीं अगर तुम्हें CSE ब्रांच लेनी हो, CSE ब्रांच में अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम्हारी रैंक 700-800 के अप्रॉक्स होनी चाहिए तभी तुम्हें ओपन कैटेगरी से यह कॉलेज मिल सकती है। या फिर अगर SC ST OBC AB से हो तो तुम्हें 1000-2000 के अप्रॉक्स तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है चॉइस फिलिंग में या फिर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तुम हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जैसे ही उस लिंक को ओपन करोगे यहाँ पर तुम्हें कुछ डिटेल्स को फिल करनी होगी और नीचे तुम्हें 299 का अमाउंट पे करना है, और उसके बाद तुम इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे। जैसे तुम इस फॉर्म को सबमिट करते हो तुम्हें कॉल किया जाएगा और वहाँ पर तुमसे तुम्हारे इंटरेस्ट कौन से ब्रांच में तुम इंटरेस्टेड हो या फिर किस पर्टिकुलर कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो कि हाँ ये पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तुम्हें, तो तुमसे इन सारी चीज़ों की डिटेल डिस्कशन की जाएगी। उसके बाद तुम्हें एक अच्छी सी चॉइस फिलिंग करके दी जाएगी ताकि तुम्हें एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच मिले और तुम्हारी वहाँ पर एडमिशन हो जाए, ताकि फिर जब तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो तो तुम्हें एक अच्छा प्लेसमेंट वहाँ से मिल पाए। तो चलो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो, और इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलता रहे।